व्हाट्स अप गाइस, होप यू ऑल गाइस आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई नो कि वीडियो काफी टाइम बाद आ रही है, काफी टाइम मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया मेरे को वीडियो डाले हुए, जमाने के बाद आ रही है वीडियो इसकी। वीडियो नहीं आने के पीछे बहुत ज्यादा रीजंस हैं, वो फिर कभी हम आपको बताएंगे। जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज वो वीडियो चेन सेट के ऊपर होने वाली है। जैसे कि आपको पता मेरी बाइक का ना अब चेन सेट बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो मैंने फाइनली एक चेन सेट मंगवा दिया, वो स्पेशल चेन सेट है, देख सकते हो रोल ऑन का चेन सेट है। नॉर्मल चेन सेट नहीं है ये गोल्डन ब्रास का चेन सेट है, और इससे हमारी बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ने वाली है। तो इसकी कॉस्ट आपको मैं एंड में बताता हूँ, और इस अगर आपको ये चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दी है, तो वहां से आप जाके परचेज कर सकते हो। तो इसको हम इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं बाइक दोस्त, हमारे यहाँ पे उधमपुर में एक सर्विस सेंटर है, तो हम वहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल करवाते हैं। एंड इंस्टॉल करवाने की क्या कॉस्ट आती है, क्या लेबर कॉस्ट आती है, और बता दी जाएगी, और कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करना भी नॉर्मल बाइक की तरह नहीं होता है, इसको इंस्टॉल करने का तरीका अलग है, तो वो भी हम आपको वहीं जाके बताएंगे। तो चलो वहीं पे बाइक दोस्त में मिलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं बाइक दोस्त, एंड आप सब लोग देख सकते हो हम लोग अभी हैं बाइक दोस्त में। जो आपने पिछली क्लिप देखी वो थी संडे की, आज है मंडे, कल हम यहाँ पे बाइक दोस्त पे आए थे, बट ये बाइक दोस्त बंद था संडे को, तो जिस वजह से हमें वापस जाना पड़ा। तो आज मंडे है, तो आज हम आए हैं, तो ये आज खुला है। तो मेरे साथ है यहाँ पे शाश्वत भैया, इन्होंने अभी अभी ना अपनी बाइक की ड्यूक 390 की ना सर्विस करवाई है यहाँ से, और इस सर्विस यहाँ से सर्विस करवाने का रिव्यू जो आपको मिलेगा वो इनके चैनल पे मिलेगा। अगर आपने इनको सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो। तो हम यहाँ पे अभी अपना चेन सेट लगवाएंगे, एंड आप सब लोगों को दिखाते हैं कि कैसे लगाएंगे हम अपनी ड्यूक 250 में। तो दिखाते हैं सीधे, तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा पुराना चेन सेट जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। रीजन यही था, ये जो रोल ऑन का चेन सेट था ये बहुत लेट आया, तो इसी का वेट करते करते उसको घसीट के चलाना पड़ रहा था, क्या कर सकते हैं। एंड अनबॉक्सिंग अभी हम इसकी करेंगे, ये अनबॉक्सिंग कर दी, हो गई। ये हमारी गोल्डन चेन, इसमें पहले से टूथपेस्ट मली है, टूथपेस्ट मली हुई है, साचे हुई है कह रहे हैं, इसमें ग्रीस पहले से लगी जाती है, वाइट टूथपेस्ट लगा के रखी है, देख रहे हो गाइस एकदम। और इसके नीचे हमारे पड़े हैं स्प्रॉकेट, भाई अभी आपको ये मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो चेन है ना हमारी, जैसे बाकी बाइकों में ना क्या होता है कि ये चेन बीच में से लॉक टूट जाती है और डायरेक्ट बाहर निकल जाती है और डायरेक्ट लग भी जाती है, बट इस बाइक का ना ये बीच में से टूटती नहीं है, इसमें लॉक नहीं होता है इस चेन में बीच में, हमें इसमें ना ये पूरा टायर निकालना होता है एंड वहाँ से भी खोलना होता है जहाँ से अभी भैया खोल रहे हैं। तो एक नट तो वो ऊपर वाला खोल दिया है, तो ये भैया हमारे पूरे उधमपुर में किसी को नहीं आएगा ये वाला लगवाना, बट बाइक दोस्त में आ जाओ आप, ऐसे ऐसे काम भी हो जाएंगे जो कोई कर भी नहीं पाएगा। भाई आप लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये मिरर और ये लीवर प्रोटेक्टर्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करो, मैंने अभी अभी रिसेंटली इंस्टॉल किए हैं। जो पुराने वाले थे उनका रिव्यू मैं दूँ अगर, तो वो इतने कुछ खास नहीं थे, वो रस्ट पकड़ना शुरू हो गए थे, तो मैंने तभी ये ऑर्डर किए। एंड ये रेड और ब्लैक मेरे को कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये जो फ्रंट स्प्रॉकेट है ना, ये लगा हुआ है ड्यूक 390 का 15 टीथ। मेरा जो ओरिजिनल इसका स्प्रॉकेट था ना फ्रंट वाला, वो कब का पहले का ही खत्म हो चुका था, जिस वजह से मुझे ये लगवाना पड़ा। तो चलो उससे भी काम निकल ही गया, 2 महीने तो निकल गए अब मेरा चेन सेट, एंड अब फाइनली बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अब इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गंदी आ रही है, तो अब हम लगवाएंगे ये रोल ऑन का, टेन परफॉर्मेंस इससे बढ़ेगी, क्योंकि जो स्टॉक स्प्रॉकेट है ना पिछले वाला उसमें एक टीथ ज्यादा है और इसमें एक टीथ कम है, जिससे कि पावर इसमें बढ़ जाएगी।
गाइस आप सब लोग देख सकते हो हमारा चेन सेट जो है ये फाइनली अब लग चुका है। आपको वाइट दिख रहा होगा क्योंकि इस पर वाइट ग्रीस लगी हुई है। तो चलो एक बात अच्छी है कि 15 दिन तक मेरे को इसको ल्यूब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड आपको मैं पुराना वाला फ्रंट स्प्रॉकेट दिखाता हूँ, ये है पुराना वाला फ्रंट स्प्रॉकेट, इसमें है 15 टीथ, जो अभी नया लगा है उसमें है 14 टीथ। सो ये है हमारा पुराना वाला पीछे वाला स्प्रॉकेट, इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। एंड ये देख सकते हो ये नया स्प्रॉकेट गोल्डन। सो अब शाम को हम जाएंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा इसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, बाइक की स्मूथनेस बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, तो उसके बारे में आपको शाम को जब निकलूंगा तो तब आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो गोप्रो की अगर मैंने फुटेज बनाई होगी तो उसमें मिलते हैं सीधे गोप्रो की फुटेज में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी हाईवे पे एंड मैं हो चुका हूँ अभी फ़ोन से सीधे गोप्रो पे शिफ्ट। एंड जो चेन सेट है वो डल चुका है और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, स्मूथनेस जो है ना बाइक की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वाइब्रेशन बिल्कुल कम हो चुकी है एंड पावर जो है ना, मतलब इसकी जो ओरिजिनल पावर थी ना वो वापस आ गई है। सो आप सभी लोग देख सकते हो ये चेन स्प्रॉकेट हमारी बाइक में लग चुका है। अभी आपको वाइट दिख रहा होगा क्योंकि इस पर वाइट ग्रीस लगी हुई है, तो है ये पर गोल्डन। जब ये वाइट ग्रीस उतर जाएगी तब ये पूरा गोल्डन लगेगा। वो देख सकते हो आप शाश्वत भैया जिन्होंने अपनी बाइक फुल्ली मॉडिफाई कराई है एंड ये लाइट्स देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है इनकी बाइक में। सो ये रोल ऑन का चेन स्प्रॉकेट यूज़ कर रहे हैं, इनको ऑलमोस्ट हो गया 3 to 4 months। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इनके साथ? 3-4 months तो नहीं हुए गाइस, अभी मेरे को हो चुके हैं अराउंड 3 महीने हो चुके हैं इस चेन सेट के साथ और 3 महीने में मैंने 1.5 महीने चलाया है और जितना चलाया है वन ऑफ द बेस्ट चेन सेट इन द मार्केट। तो मेरे को भी इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि ये चेन सेट लगवा ले, सर्विस सेंटर से स्टॉक चेन सेट लगवाएगा। देखो भाई स्टॉक की बात ये है कि स्टॉक में जो फील हमने स्टार्टिंग में ली है उसको अपग्रेड करना तो जरूरी है ना यार। हाँ जी, और रोल ऑन में मैंने एक चीज देखी कि जो स्मूथनेस है वो स्टॉक से भी अच्छी है, चाहे आप उसको ल्यूब करो नहीं करो। Exactly. और जो स्टॉक हमें अपने मार्केट में देख सकते हैं हमारा शूट रोक दिया, तो जो स्टॉक वाला चेन सेट है वो हमें KTM शोरूम में भी अराउंड 4000 तक का पड़ता है विद फिटिंग। तो अगर 4000 खर्चना ही है तो उससे बेटर है कि आप ये ले लो चेन सेट और रोल ऑन का। ट्रक भी हमें प्रेफर कर रहा है कि भाई रोल ऑन, अरे भाई एग्री कर रहा है, तो भाई देख लो लेना है तो लो नहीं लेना तो तब भी लो। देखो भाई ये चीज़ होती है एक बार लगाने वाली, ये कोई आपको बार बार तो लगवानी नहीं है। अगर आप एक ही बारी इस चीज़ में इन्वेस्ट कर लोगे ना, मतलब ये अच्छा आउटपुट भी देगी आपको। एंड ये जो मैं एक चीज़ बताता हूँ इसके बारे में, ये स्टॉक चेन सेट के साथ ना जो मतलब स्टॉक आता है ड्यूब के साथ उससे ज़्यादा चलता है, मतलब इसकी लाइफ ज़्यादा है उससे। चाहे आप जितनी मर्जी विलीज क्यों ना मार लो इस पर, इसके साथ आपको इनिशियल पावर भी बहुत मिलेगी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आपको कि ये गोल्डन चेन सेट लगवाओ। एंड इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ 4000, एंड अगर आप 4000 नहीं इसकी प्राइस हमें मेरे को जो पड़ी है 3700 है, तो 7 डेज़ के अंदर इसकी डिलीवरी मुझे मिली है। अगर आपको ये परचेज़ करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक इस चेन स्प्रॉकेट की दे दी है, तो आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हो। एंड इन सब एसेसरीज़ की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये टैंक पैड ये। सो भाई लोग मेरे GoPro की ना बैटरी डेड हो चुकी है, तो अब मैं फ़ोन से व्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो ये आपको मैं पूरी बाइक दिखा देता हूँ अपनी एक बार। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में गाइज, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, टाटा बाय बाय।